CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम क्या तुम जानते हो। सांप एक रेंगने वाला जीव है। ये मांसाहारी है। ये न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। ये जल तथा जमीन दोनों जगह पाए जाते हैं। इसका शरीर आकार में लंबा और रस्सी की तरह होता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सांप चार पैर वाले सरीसृप के पूर्वज से विकसित हुए हैं, किंतु बहुत अधिक रेंगने के कारण कालांतर में इनके पैर धीरे धीरे लुप्त हो गए। इनकी आंखों पर पलके नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती हैं। सांप विषैले तथा विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां इस प्रकार जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इसका मुंह बड़े आकार में खुलता है। इसके मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोखले होते हैं। इसलिए इनके काटते ही विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। सांप मेंढक, छिपकली, छोटी चिड़िया, चूहे तथा दूसरे सांपों को खाते हैं। इन्हीं की प्रजाति में एनाकोंडा भी एक है। ये कभी कभी बड़े जंतुओं को भी निगल जाता है। वैसे तो सभी सांप विषैले नहीं होते, मात्र उसकी कुछ प्रजातियां ही विषैली होती हैं। विषैले सांप जब आदमी को काट लेते हैं तब उनका विष शरीर में फैल जाता है। समय रहते सांप के काटे हुए व्यक्ति को चिकित्सा मिल जाती है तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया भर के विषैले सांपों की लगभग 700 से अधिक प्रजातियों में से मात्र 250 प्रजातियां ही हमला करती हैं। ये बेवजह किसी पर हमला नहीं करते, ये खतरा लगने पर हमला करते हैं। अंग्रेजी में भय के लिए फोबिया शब्द का भी इस्तेमाल होता है। सांपों को देखने या सोचने से जो भय पैदा होता है उसे ओफियोफोबियो कहते हैं। सांप का खून ठंडा होता है। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ये अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन पर निर्भर नहीं होते, इसलिए ये बहुत कम भोजन मिलने पर भी जीवित रहते हैं। कुछ सांपों को महीनों बाद भोजन मिलता है तथा कुछ सर्प वर्ष में मात्र एक बार या दो बार ढेर सारा खाना खाकर जीवित रहते हैं। खाते समय सांप भोजन को चबाकर नहीं खाते, ये भोजन निगलते हैं। विश्व का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक है। ये कैरेबियन सागर के सेंट लुजिया, मार्टिनिक तथा बारबाडोस आदि द्वीपों में पाया जाता है। इसकी लंबाई मात्र 10 सेंटीमीटर होती है। विश्व का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पायथन है, जिसे हिंदी में जालीदार अजगर कहते हैं। सामान्यतः ये 10 मीटर से भी अधिक लंबा और 120 किलोग्राम वजन का होता है। ये एशिया में अधिक पाया जाता है। भारत में सांपों को किसान का मित्र माना जाता है। ये फसल बर्बाद करने वाले चूहों को खाकर खेतों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे देश में हर साल नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन सांपों की पूजा की जाती है। बहुत बार देखने में आया है कि लोगों में सांप को लेकर तरह तरह की मनगढ़ंत धारणाएं हैं। जैसे सांप जमीन के अंदर गड़े खजाने की रक्षा करते हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इच्छाधारी सांप होते हैं, ये जैसा चाहे वैसा रूप बदल सकते हैं। ये बात भी सही नहीं है। सांप केवल सांप होते हैं, वो अपना रूप नहीं बदल सकते। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि नाग की हत्या कर देने से नागिन उसका बदला लेती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि नागों के सिर में मणि छिपी होती है, इसके लिए भी लोग सांप को हानि पहुंचाते रहते हैं। मणि जैसी कोई चीज सांप के पास नहीं होती। सच कहें तो सांप सभी जीवों के समान एक सामान्य जीव है। जब तक आप उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए बात सांप की हो या किसी और की, है तो जीव ही ना। इसीलिए हमें जीवों के प्रति प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इसी बात को अक्षर की कहानी सा से सांप के सच्चाई बाल गीत में सुन सकते हैं। यूट्यूब में देखें सा से सांप की सच्चाई। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्या तुम जानते हो।
अकादमिक समन्वय सह आचार्य रमेश कुमार, वाचन स्वर शालिनी सिंह और प्रवीण कुमार, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुगरेती, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।